एक छोटे से गांव में चंपा नाम की एक मुर्गी रहती थी। चंपा को अपने अंडों का बहुत ध्यान था। वह रोज अपने अंडों को गिनती और देखती कि कहीं कोई चुरा न ले। लेकिन गांव में एक बहुत ही शरारती लोमड़ी भी रहती थी, जिसका नाम था लालू। लालू हमेशा चंपा के अंडों को चुराने की तरकीबें सोचता रहता था। एक दिन लालू ने सोचा, अगर मैं चंपा के अंडे चुरा लूं, तो मजा आ जाएगा। आज मैं उसकी चालाकी का मुकाबला करके ही रहूंगा। लालू चुपके चुपके मुर्गी के दड़बे के पास पहुंचा और देखा कि चंपा अपने अंडों पर आराम से बैठी हुई थी। लालू ने सोचा, आज तो काम बन गया। वो धीरे से बोला, अरे चंपा बाहर आओ, देखो आसमान में उड़न खटोला आ गया है। चंपा समझ गई कि यह लालू की चाल है, पर उसने सोचा कि उसे भी मजा चखाना चाहिए। चंपा ने चौंकने का नाटक करते हुए कहा, क्या सच में उड़न खटोला? मैं तो पहली बार सुन रही हूँ, रुको मैं भी देखने आती हूँ। जैसे ही चंपा बाहर निकली, लालू तेजी से दड़बे में घुस गया और अंडों की तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही उसने अंडों को उठाया, वो जोर से चिल्ला उठा, अरे बाप रे! दरअसल चंपा ने पहले से ही अंडों की जगह वहाँ पत्थर रख दिए थे। लालू के हाथ में पत्थर आते ही उसके हाथ दुखने लगे और वो उछल कर बाहर आया। चंपा हंसते हुए बोली, कैसा लगा मेरा उड़न खटोला लालू? लालू ने अपने दुखते हाथों को देखा और शर्मिंदा होकर कहा, तुम्हारी चालाकी के आगे मेरी सारी चालें फेल हो गईं चंपा। इसके बाद लालू ने कभी चंपा के अंडों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की और चंपा हंसते हंसते अपने अंडों के पास वापस चली गई।